दोस्तों आप लोग गलत तरीके से वीडियो को अपलोड करते हो, तभी भाई आपके वीडियो पर 5 से 6 व्यूज आता है और आपके वीडियो पर बहुत कम व्यूज आता है। ठीक है, सबसे पहले भी ध्यान देखना, मैं अपना खुद प्रूफ दूंगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए भाई, मेरा रियल टाइम पे व्यूज आता है भाई कम से कम भाई 13 से 14 हजार पे व्यूज आता है। ठीक है, एंड ध्यान दो भाई, और मेरा वीडियो भाई अच्छा खासा सर्च में पहुंच जाता है। ठीक है, ध्यान दो भाई, अगर मैं YouTube पर सर्च कर देता हूँ YouTube चैनल वेरीफाई कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखो भाई, मेरा वीडियो भाई YouTube में टॉप में रैंक करता है, जिसमें लाखों में व्यूज आ चुका है। ठीक है, एंड भाई ध्यान देखो, अगर मैं फिर से सर्च कर देता हूँ कॉपीराइट क्लेम कैसे हटाएं, तो देख सकते हैं भाई मेरा यह भी वीडियो YouTube में टॉप में रैंक करता है, जिसमें भाई लाखों लाखों में व्यूज आ रहा है। एंड भी मैं अच्छी खासी YouTube से अर्निंग भी कर लेता हूँ। ध्यान दो भाई, मेरा अभी हाल ही में 50,000 रुपए भाई मैंने इस चैनल से कम कमा लिया है। ठीक है, एंड भाई आज की वीडियो पर भाई आप लोग को मैं यूट्यूब पर सही तरीके से वीडियो अपलोडिंग करने का तरीका तो बताऊंगा ही, साथ साथ भाई वायरल टैग कहाँ से लिया जाता है, जैसे भी ध्यान देखो मैं वायरल टैग लेता हूँ जिसमें मेरा हर टैग रैंक करता है, तो भाई मैं आज की वीडियो पर आप लोगों को भी वायरल टैग लेने का सही तरीका बता दूंगा। ठीक है, तो भाई आप इस वीडियो को फुल वॉच करना, अगर आप YouTube पर नए भी होगे ना, तो इस वीडियो देखने के बाद भाई आप YouTube पर सही तरीके से वीडियो अपलोडिंग करने का तरीका जान जाओगे और भाई आपके वीडियो पर ना अच्छा खासा व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इस वीडियो को जरूर फुल वॉच करना। अगर भाई आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, बिना बोले भाई लाइक कर देना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कैसे सही तरीके से वीडियो को अपलोडिंग की जाती है। ठीक, आप ध्यान से देखते चलिए भाई, साइड पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, साइड पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी होगी। मैं आपको A to Z यार सही तरीके से वीडियो को अपलोडिंग करने का तरीका बताऊंगा, एंड भाई लास्ट तक जरूर देखना, आपको वायरल टैग लेने का एकदम सही तरीका बताऊंगा। ठीक है, आपको करना है क्या भाई, आप भी अपने सिंपली स्पीकर यूट्यूब पर आ जाया करो, एंड भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको यूट्यूब पर वीडियो अपलोडिंग करते समय भाई, आपको सिंपली भाई यूट्यूब की ऐप से वीडियो को अपलोड करना है। ठीक है, एंड थोड़ा सा दिमाग लगाते चलना है, आपका भाई सारा कुछ बताएगा। ठीक है, एंड भाई ध्यान देखो, जब आप लोग अपना वीडियो एडिट कर लेना, तो भाई लोग आप लोग यहाँ पास ऑप्शन मिलेगा अपलोड आ वीडियो का। ठीक है, तो भाई लोग आप अपनी कोई वीडियो को चूज कर लेना, जैसे भी एग्जांपल के लिए भाई मेरा यह वीडियो है, मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, एंड नेक्स्ट करता हूँ, ध्यान से देखना भाई, सही तरीका बताता हूँ यूट्यूब पर वीडियो अपलोडिंग करने का तरीका। ठीक है, तो आपको करना है कि हमें सेम इस प्रकार करना, एंड भाई सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत होती है, जो अक्सर भाई नए नए क्रिएटर गलती कर देते हैं, तो आप लोग गलती बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आपको यहाँ पास भाई जो आपने वीडियो बनाया है, तो भाई लोग आपको सबसे पहले यहाँ पास टाइटल देना है। ठीक है, क्या टाइटल देना, जैसे जो भी आप वीडियो बना हो, तो आप लोग यहाँ पास टाइटल या जरूर दे देना। ठीक है, जैसे भाई मेरा वीडियो है YouTube चैनल कैसे बनाए, ठीक है, यहाँ पास मैं सर्च कर देता हूँ YouTube चैनल कैसे बनाए। ठीक है, यहाँ पास आप लोग अपना टाइटल लिख दीजिएगा, यहाँ पास दे सकते हैं, यहाँ पास मैं लिख दिया YouTube चैनल कैसे बनाए। ठीक, आप लोग इस प्रकार लिख दीजिएगा, एंड लिखने के बाद थोड़ा सा ध्यान लगाना, एंड इसको आपको पूरा कॉपी कर लेना, दे सकते हैं भाई आपको इस प्रकार कॉपी करना है। एंड भाई ध्यान दो, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है, आप लोगों को ना सबसे पहले यहाँ भी लिखना पड़ता है। ठीक है, इसको सबसे ऊपर पेस्ट कर दो, एंड भी ध्यान दो, आप लोग जो यहाँ पास ऑप्शन मिलता है अनलिस्टेड का ना, तो आप लोग भाई इसमें क्लिक करना है, एंड भाई आप लोग सबसे पहले यहाँ पास इसको अनलिस्टेड कर लेना है, क्लिक नहीं करना है, नहीं भाई आपका डायरेक्ट पब्लिक हो जाएगा, इससे भी आपका वीडियो सर्च में ना तो कभी जाएगा और ना ही आपका वीडियो कभी रैंक करेगा। ठीक है, तो आपको हमेशा अनलिस्टेड में करना है। अनलिस्टेड में करने के बाद ध्यान देखिए भाई, आपको यहाँ पास लोकेशन का ऑप्शन मिलता है, तो आप लोग भाई लोकेशन दे सकते हो, बाकी भी कोई जरूरत नहीं है लोकेशन देने की। ठीक है, अब आपको इतना करने के बाद भाई आपको सिंपली भाई आप लोग इसमें नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद ध्यान दो कि यहाँ पास क्या लिखा है, यस इस मेड्स फॉर किड। ठीक है, तो आप लोग भाई सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। ठीक है, इससे क्या होता है भाई कि आपका वीडियो ना ज़्यादा ज़्यादा लोगों के पास पहुँचता है। ठीक है, एंड कई कई अक्सर नए नए क्रिएटर लोग गलती कर देते हैं, वो लोग ना फर्स्ट वाले में क्लिक करते थे, फर्स्ट वाले में क्लिक करने से क्या होता है आपका वीडियो भाई ओनली बच्चों लोगों के पास पहुँचेगा। ठीक, ओनली बच्चों के पास पहुंचेगा, तो आपको भाई सेकंड नंबर में क्लिक करना है, जिसमें आपका वीडियो सब लोगों के पास पहुंचे। ठीक है, तो आप लोग भाई इसमें सिंपली इसमें क्लिक कर देना है, देन अपलोड अ वीडियो इसमें आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे ना भाई, तो आपका वीडियो अपलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, बाकी भाई अभी काम बहुत कुछ बाकी है, 50% भाई अभी आपका काम बाकी है, मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपका वीडियो सर्च में जाएगा और भाई आपके वीडियो पर अच्छा खासा व्यूज आएगा। तो भाई आपको करना क्या, ध्यान देखिए, आपको सिंपली आ जाना है अपने YT स्टूडियो ऐप पर। ध्यान दो भाई, आपको आ जाना है सिंपली भाई YT स्टूडियो ऐप पर। ठीक है,
YT स्टूडियो ऐप पर आ जाना, जैसे भी मैं आ चुका हूँ। ध्यान दो भाई, अभी हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक है? तो आप लोग भाई अपना वीडियो अपलोड होने देना है। एंड भाई ध्यान दो, अभी हमारा YouTube पर ना नीली नीली पट्टी कुछ चल रहा है, यानी भाई अभी हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है। YouTube अभी समझ रहा है कि हमारी वीडियो कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है, ठीक है? तो अभी उसको समझने दो। और भाई आपको सिंपली आ जाना अपने YT स्टूडियो ऐप पर, कंटेंट वाले ऑप्शन पर आना है, एंड वीडियो वाले ऑप्शन पर आप आ जाइएगा। एंड भाई आपको पेंसिल वाले आइकन में क्लिक करना है। अभी आपको टैग लेना है, वायरल वाला टैग लेने का तरीका बताऊंगा, ध्यान से देखना, ठीक है? अब आपको भाई यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख लेना भाई, आप जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो यहाँ पास काफ़ी सारा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो भाई। यहाँ पास भाई अभी 5000 आप लोग यहाँ पास लिख सकते हो कीवर्ड, तो आप मेरे हिसाब से कम यहाँ पास लिखा करो, ठीक है? तो आप लोग यहाँ पास लिख देना। एंड भाई इतना करने के बाद ध्यान दो भाई, आपके पास टैग का ऑप्शन मिलता है सबसे नीचे, इसमें आप लोग क्लिक कर देना, ठीक है? एंड भाई आपको यहाँ पास टैग लगाना पड़ता है, एंड थोड़ा सा यहाँ पास आपको दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है? ध्यान दो, आप लोग इसमें क्लिक करना है। एंड जैसे आपका जो भी टैग हो, जैसे भाई यूट्यूब चैनल कैसे बना, ठीक है? तो आप लोग सबसे पहले भाई आप लोग इसमें जो आपने पहला टाइटल लगाया है ना अपने वीडियो पर, आप लोग यहाँ पास वही टाइटल को पेस्ट करना है, ठीक है? यहाँ पास दे सकते हैं, यहाँ पास मैं ले देता हूँ यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, एंड इसमें स्क्रॉल कर देना। एंड भाई आपको मैं बताता हूँ कैसे वायरल टैग लेना है, ठीक है? अब आपके यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पास आपको ऑप्शन मिलेगा पीपल एंड ब्लॉग्स, ठीक है? आपका जो भी कैटेगरी होगा, ठीक है, आपको अपनी कैटेगरी को चूज कर लेना है। जैसे भाई मेरा टैग का चैनल है, यहाँ पास मैं टैग का चैनल को कैटेगरी को चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चूज़ कर लिया। आपका गेमिंग हो तो गेमिंग करिए, कॉमेडी हो तो कॉमेडी के, जो हो भाई आप कर लीजिए। एंड इतना करने के बाद ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा, सो हाउ मेनी व्यूवर्स टू लाइक दिस वीडियो, ठीक है? आप लोग भाई इसको डिसलाइक कर देना, स्टार्टिंग टाइप है डिसलाइक कर देना, जिससे भी आपके वीडियो में कोई नहीं जान पाएगा कि भाई आपके वीडियो में कितनी लाइक है, ठीक है? तो आप लोग इसको हमेशा डिसलाइक करना स्टार्टिंग टाइम पर, ठीक है? मतलब आप लोग इसको हाइड कर देना, कोई नहीं जान पाएगा भाई आप नए नए क्रिएटर हो, जिससे आपके वीडियो में लोग ज़्यादा देर तक देखेंगे, ठीक है? अब इतना करने के बाद भाई आपको करना क्या है, आप सिंपली भाई आपको इस पर वीडियो अपने सेव कर देना है, ठीक है? सेव कर दीजिए। एंड सेव करने के बाद ध्यान से देखना आपको करना क्या है। आप लोग भाई सिंपली वायरल टैग लेने के लिए मैं आप लोग बताता हूँ, जैसे वायरल टैग लेने के लिए आपको सिंपली आ जाना है अपने यहाँ पर, ध्यान देखिए क्रोम ब्राउजर ऐप पर, ठीक है? क्रोम ब्राउजर ऐप पर आइएगा, यहाँ पर मैं आता हूँ क्रोम ब्राउजर ऐप पर, ठीक है? मैं वायरल टैग लेने का तरीका बताता हूँ, ध्यान देखो, यहाँ पर वायरल टैग लेने का तरीका बताऊँगा, ठीक है? यहाँ पर वायरल टैग लेने का आप लोग को तरीका बताता हूँ। एंड यहाँ पर देख सकते हैं भाई, आपने यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ रैपिड टैग्स, ठीक है? यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ रैपिड टैग्स, ठीक है? यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ रैपिड टैग्स, ध्यान से देखना भाई, आप लोग के यहाँ पास ना वायरल टैग मिलेगा। रैपिड टैग्स में सर्च कर देता हूँ, ध्यान देखिए। एंड यहाँ पर ध्यान देखिए भाई, आप लोग इसमें क्लिक कर देना है। ये वेबसाइट भी ऑफिशियल है, यहाँ पास भी आपको 100% भाई आपका वीडियो यूट्यूब में सर्च मिल जाएगा। मैं यहीं पास अक्सर टैग लेता हूँ, ठीक है? अब आपको करना है क्या है भाई, ध्यान देखिए, यहाँ पास आपको सर्च कर देना है जो भी आपका वीडियो भाई, आप लोग यहाँ पर सर्च कर दीजिएगा, वायरल टैग काफ़ी सारे मिल जाएंगे, ठीक है? जैसे भाई मेरा यहाँ पास टाइटल था यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, ठीक है? तो आप लोग का जो हो भाई आप लोग यहाँ पास डाल देना एंड सर्च कर देना। अब ध्यान दो, जैसे मैं सर्च कर देता हूँ तो यहाँ पास हमको काफ़ी सारे टैग मिल जाते हैं, वायरल वाला टैग मिलते हैं। ध्यान दो, वायरल वाला टैग मिल चुके हैं, अब 8 से 10 टैग हो चुके हैं अब, ठीक है? आपको यही सारे टैग ना आपको सिंपली भाई अपने YT स्टूडियो पर डाल देना है, ठीक है? आपको अपने YT स्टूडियो ऐप पर आना है, अपने वीडियो पर सारे वायरल टैग को लगा देना है, ठीक? इतना करने के बाद जब आप सारा कुछ कर लेना भाई, तो आपका भाई जब वीडियो अपलोड हो जाना, अपलोड होने के बाद, ठीक, आप लोग अपने यहाँ पर थंबनेल लगा लेना, जो आपका थंबनेल भाई आप लोग यहाँ पर अपना थंबनेल लगा लेना, ठीक है? एंड थंबनेल लगाने के बाद भाई आपको सिंपल अपनी वीडियो को पब्लिक कर देना है। पब्लिक करने के बाद भाई आपको अपनी वीडियो को सेव कर देना है, अब आप लोग का वीडियो पब्लिक हो जाएगा, ठीक है? तो यही तरीका होता है भाई, सही तरीके से वीडियो अपलोडिंग करने का एकदम सही तरीका होता है। अगर आपको भाई मेरा वीडियो आज का पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो थैंक यू सो मच भाई, जय माई की बप्पा।